लेबर लॉ एडवाइजर चैनल के 2019 के वन ऑफ द लास्ट एपिसोड्स में आपका स्वागत है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि लेबर लॉज में किसी एक साल में इतना कुछ हो जाएगा कि हमको एक ईयरली रिव्यू बनाना पड़ेगा। आपने ईयरली रिव्यूज न्यूज के देखे होंगे, फिनांस के देखे होंगे, बॉलीवुड के देखे होंगे, लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं लेबर लॉज में हुए 2019 में सारे के सारे चेंजेस की, बड़ी न्यूज की, अपडेट्स की, वायदों की, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की, जिनका इस देश के हर एम्प्लॉई और हर एम्प्लॉयर पर बहुत असर होता है। चाहे आप लेबर लॉ एडवाइजर के इस साल के सारे एपिसोड्स नहीं दे पाए हो, हम उन सारे एपिसोड्स की समरी बनाकर, एक भेलपुड़ी बनाकर आपको इस एक एपिसोड में परोस रहे हैं। तो इस एपिसोड को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, ताकि 2019 का कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए जो आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि लेबर लॉ एडवाइजर चैनल का उद्देश्य यही है कि एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से जुड़े हुए सारे विषय एकदम आसान भाषा में आपके लिए लाते रहे। तो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ जैन, आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइजर और शुरू कर रहे हैं हम ईयरली रिव्यू 2019 ऑफ लेबर लॉज। तो दोस्तों, जनवरी से शुरू करेंगे और दिसंबर 2019 तक चलेंगे और मंथ वाइज सारे बड़े अपडेट्स कवर करते जाएंगे, चाहे वो अपडेट्स अमेंडमेंट्स हो, न्यू एक्ट्स हो, डिसीजंस हो, नोटिफिकेशंस हो, वायदे हो, या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ऐसे डिसीजन हो जिससे ओवरऑल इस पूरे देश को फर्क पड़ता है। पहला अपडेट आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही फरवरी 2019 में, और बहुत बड़ा अपडेट आया इस साल का, वन ऑफ द बिगेस्ट अपडेट, वो है पीएफ एप्लीकेबल ऑन अलाउंसेस। जो सूर्या रोशनी वर्सेज ईपीएफओ का केस था जिसमें फाइनली सूर्या रोशनी हार गई, इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अलाउंसेस विच आर पेड ऑर्डिनरली, यूनिफॉर्मली, नेसेसरली एंड अक्रॉस द बोर्ड टू ऑल एम्प्लॉइज विल अट्रैक्ट पीएफ। यानी जो बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट, बहुत सारी कंपनियां पीएफ बचाने के लिए अलाउंसेस की कैमोफ्लॉजिंग कर देती थी, वो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया और क्लियरली कहा कि भाई ऐसा करना बंद करो। उसके बाद ईपीएफओ ने कंपनीज को नोटिफिकेशंस भी भेजे और इस डिसीजन को लागू करने की बात कही। फाइनली ये डिसीजन रिव्यू में भी गया, लेकिन अब वो रिव्यू भी स्टक डाउन कर दिया गया है। यानी जो एप्लीकेबल है अलाउंसेस के ऊपर पीएफ, वो बिल्कुल ही बिल्कुल एप्लीकेबल है और इससे एम्प्लॉइज का बहुत बहुत फायदा हुआ है। दूसरा अपडेट है फरवरी 2019 से एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट का। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग जो साल में दो बार होती है, वो फरवरी 2019 में हुई। उस मीटिंग में जो भी डिसीजन लिए गए, उसमें से दो डिसीजन आपके लिए बहुत काम के हैं। पहला डिसीजन ये लिया गया कि जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं आईपीस के, जो ईएसआई में कवर्ड एम्प्लॉइज हैं, उनके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, पहले जो उनकी इनकम 5,000 होती थी, उससे ज्यादा होती थी, तो वो ईएसआई का लाभ नहीं उठा पाते थे। अब उस इनकम को बढ़ाकर लगभग दुगना 9,000 पर मंथ कर दिया गया है। यानी बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अब ईएसआई का लाभ उठा पाएंगे। इसी मीटिंग में सेकंड जो अपडेट आया वो था कि जो सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट है, ऐसे ट्रीटमेंट जिसमें एम्प्लॉइज को एडमिट होना पड़ता है, चाहे वो कैंसर के अंतर्गत हो, चाहे ब्लड की कोई डिजीज हो, ल्यूकेमिया हो, इन सारे चीजों में पहले 2 साल का ईएसआई का कवरेज इसेंशियल था, जिसे घटाकर 6 महीने करने का प्रावधान इस मीटिंग में कहा गया। लेकिन अभी तक कुछ ही दिनों पहले मेरे पास एक सब्सक्राइबर का मैसेज आया जिसके 2 साल कंप्लीट नहीं हुए, कुछ ही महीने बच रहे हैं, फिर भी उसे ईएसआई सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट नहीं दे रहा है। तो ये क्या इंफॉर्मेशन आगे तक पास ऑन नहीं करी गई, क्या ये अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुई, इस बात पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपके इस पर क्या फीडबैक है, आपके क्या अनुभव है, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तीसरा अपडेट, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना अगस्त 2016 में शुरू की गई थी, जिसमें सरकार ने वायदा किया था कि नए कर्मचारियों के लिए जो पेंशन का फंड का कंट्रीब्यूशन है, एम्प्लॉयर शेयर, वो सरकार दे देगी, ताकि नए एम्प्लॉयज को जोड़ा जा सके, उन्हें रोजगार मिल सके। इसी को अपडेट करते हुए 2018 में सरकार ने कहा था कि न सिर्फ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पेंशन 8.33%, बट ओवरऑल एम्प्लॉयर शेयर 12% सरकार दे देगी, जिसको उन्होंने निभाया भी। लेकिन 31 मार्च 2019 को, जैसा पहले ही अनाउंसमेंट किया जा चुका था, ये स्कीम न्यू एम्प्लॉयज को रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लोज हो गई। लास्ट डेट थी 31 मार्च 2019, जिसमें नए एम्प्लॉय पीएमआर पीएवाई योजना में जोड़े जा सकते थे, लेकिन जो एम्प्लॉय ऑलरेडी जुड़ चुके हैं इस तारीख तक, उन्हें 3 साल आने वाले बेनिफिट मिलता रहेगा। यानी उनका जो एम्प्लॉयर शेयर है वो एम्प्लॉयर को नहीं देना पड़ेगा।
अप्रैल 2019 ये सुप्रीम कोर्ट के नाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने दो बड़े डिसीजन दिए। पहले डिसीजन की बात करते हैं। पहला डिसीजन दिया जिनसे इस देश के पीएफ पेंशनर्स की बांछे खुल गई, वो बहुत बहुत खुश हुए। क्यों? जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, इस देश में लाखों पेंशनर्स अपने पेंशन को फुल वेजेस में प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें वन ऑफ द वॉरियर्स हैं प्रवीण कोहली जी, जिनके साथ हमने इंटरव्यू भी लिया था जो हम आई बटन में ऐड कर देंगे। उस लड़ाई में ये कहा गया कि उन्हें पेंशन फुल वेजेस पर मिलने का अधिकार होना चाहिए जब उन्होंने जो पीएफ का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो फुल वेजेस पर किया है। जब इसमें लिटिगेशन बढ़ते गए तो पीएफ डिपार्टमेंट ने जीएसआर 609E के अंतर्गत ये कह दिया कि 1 सितंबर 2014 वो कट ऑफ डेट है जिसके बाद कोई भी नया एम्प्लॉई अपनी फुल वेजेस पर पेंशन कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये तारीख है जब तक आप बता दीजिए कि आप पीएफ पेंशन फुल वेजेस पर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ये जब केस गया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया और कहा है कि जीएसआर 609E अमान्य है, इसे हटाया जाए और ऐसी कोई भी आर्बिट्री डेट ईपीएफओ डिपार्टमेंट तय नहीं कर सकता जब तक कि लोग अपना पेंशन नहीं बढ़ा सके या अपना फुल वेजेस पर कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं कर सके। अभी फिर ये ईपीएफओ ने रिव्यू में डाला है और इस पर क्या अपडेट है, जैसे ही कुछ नया अपडेट इस पर आता है हम आपको बताएंगे। बट ओवरऑल उम्मीद ये है कि अब इस देश के सभी एम्प्लॉयज अपनी पीएफ पेंशन फुल वेजेस पर प्राप्त कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक और डिसीजन आया अप्रैल 2019 में, जिसमें बहुत क्लैरिटी दे दी गई, वो था मिनिमम वेजेस के ऊपर। जैसा कि आप जानते हैं, मिनिमम वेजेस वो सैलरी है जो किसी भी एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को मिनिमम उतना तो देना ही होता है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मिनिमम वेजेस की स्प्लिटिंग अलाउड है, यानी मान लीजिए किसी स्टेट में मिनिमम वेज 10,000 है तो उसे 7,000 बेसिक और 3,000 एचआरए दिया जा सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था जिसको चैलेंज किया गया था फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के द्वारा। उस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि ये जो स्प्लिटिंग है ये अलाउड नहीं है, पूरी के पूरी बेसिक में रखनी होगी। लेकिन जब ये डिसीजन फाइनली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक क्लैरिटी दे दी वंस एंड फॉर ऑल, तो इस देश के बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ने राहत की सांस ली। अप्रैल के बाद बढ़ते हैं जुलाई 2019 में बहुत बड़ा काम हो गया, वो हो गया कोड ऑन वेजेस 2019 पास हो गया लोकसभा और राज्यसभा में। जैसा कि बहुत सालों से चला आ रहा है कि इस देश के जो 44 लेबर लॉज हैं उन्हें मर्ज करके 4 कोड में बांटा जाएगा, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन और कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। इन चारों कोड में से जो फर्स्ट कोड था वो पास हो गया जुलाई 2019 में। इसमें जो बड़े बदलाव किए गए, जो मुझे लगता है, नंबर वन, इसमें वेज की डेफिनेशन को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया गया और बता दिया गया कि कौन से वेज के कॉम्पोनेंट बेसिक में आते हैं और कौन से अलाउंसेज में आते हैं। सेकेंड, इसमें यह भी कह दिया गया कि जो अलाउंसेज हैं वो बेसिक वेजेस के 50% से ज्यादा नहीं हो सकते, यानी अगर किसी एम्प्लॉय की बेसिक वेजेस 10,000 है तो उसके ओवरऑल सारे अलाउंसेस का सम, चाहे वो एचआर हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कन्वेंस हो, उन सब का सम बेसिक के 50% यानी 5,000 रुपए से ज्यादा का नहीं हो सकता। कोड ऑन वेजेस में ही एक और चीज बहुत क्लियर कर दी गई कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार है कि पूरे देश के लिए एक मिनिमम फ्लोर वेजेस तय कर सकते हैं, जिससे नीचे कोई भी स्टेट अपनी मिनिमम वेजेस तय नहीं कर सकता। फिलहाल ये 176 रुपीज है, इसे बढ़ाने की बात कर रही थी 350-400 रुपए करने की, लेकिन वो लागू नहीं हुआ, उसमें आगे कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो नेशनल लेवल पर एक फ्लोर वेजेस तय कर सकते हैं। जुलाई 2019 में ही एक और बहुत बड़ा बदलाव आया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के सारे एम्प्लॉयज के लिए खुशखबरी आई। उसमें ये कहा गया कि जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का जो कंट्रीब्यूशन है 6.5%, उसे घटाकर कर दिया जाएगा 4%, जो कर भी दिया गया। एम्प्लॉयर शेयर 4.75% से घटाकर कर दिया गया 3.25% और एम्प्लॉय शेयर 1.75% से घटाकर कर दिया गया 0.75%, यानी ओवरऑल जो आपके घर सैलरी आ रही है उसमें इजाफा हो गया है। अगस्त 2019 में 2 अपडेट्स आए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंतर्गत, जो उनकी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग थी 225th, उसमें 2 बड़े डिसीजन लिए गए। पहला डिसीजन लिया गया कम्यूटेड पेंशन पर। जैसा कि आप में से कुछ लोग होंगे, कॉम्प्यूटेड पेंशन का ऑप्शन पहले एम्प्लॉइज को मिलता था, जिसमें वो एक लमसम पेंशन का अमाउंट ले लेते थे और उनकी जो एक्चुअल पेंशन बन रही है वो रिड्यूस हो जाती थी। ईपीएफओ ने अपने अगस्त सीबीटी में ये डिसीजन लिया कि जिन भी पेंशनर की कम्यूटेड पेंशन 15 साल से चल रही है, यानी उनके रिटायरमेंट के 15 साल कंप्लीट हो चुके हैं और वो 15 साल से अपनी पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, अब उनकी पेंशन रिस्टोर कर दी जाएगी ओरिजिनल लेवल पर। लेकिन एज ऑफ दिसंबर 2019 इस
पर कुछ भी आगे काम नहीं हुआ और ना ही ये पेंशन रिस्टोर करी गई है। पर पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी पूछा गया, लेकिन उस पर आगे क्या अपडेट है जैसे ही कुछ आएगी हम आपको बताएंगे। इसी मीटिंग में एक और बड़ा डिसीजन लिया गया, वो था जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में ईपीएफओ लागू करने का, पीएफ एक्ट लागू करने का। पहले ये जो एक्ट था वो जम्मू कश्मीर प्रोविडेंट फंड एक्ट वहां पर चलता था, उसे हटाकर अब वहां के सारे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का लाभ उठा पाएंगे। सितंबर 2019 में ईपीएफओ ने अपनी इंटरेस्ट रेट अनाउंस करी, इंटरेस्ट रेट 8.55% से बढ़ाकर 2018-19 के लिए कर दी गई 8.65%। ये बीता हुआ जो पूरा साल रहा है ये पीएफ के लिए कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उससे बहुत सारे लॉस झेलने पड़े स्पेशली ILNFS और DHFL में। लेकिन उसके बावजूद इंटरेस्ट रेट घटाई नहीं गई और 8.65% का कंट्रीब्यूशन, 8.65% का इंटरेस्ट एम्प्लॉइज को दिया गया। और ये इंटरेस्ट इस बार बहुत लेट क्रेडिट हुआ, जनरली जो अप्रैल मई में क्रेडिट हो जाता है, इस साल सितंबर अक्टूबर में जाकर ये क्रेडिट हुआ है। सितंबर 2019 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग में दो और अपडेट्स आई। पहली अपडेट में ये कहा गया कि वो एरियाज जिसमें न्यूली इंप्लीमेंटेड किया गया ESIC, वहां पे एम्प्लॉइज ESIC के आयुष्मान भारत यानी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहां जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। जैसी ESIC में फैसिलिटी मिलती है, कैशलेस सुविधा वो वहां पर प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही साथ यहां पर यह भी डिसीजन लिया गया कि ESI कॉन्ट्रीब्यूशन 176 रुपीज से कम अगर किसी की पर डे सैलरी है तो उस एम्प्लॉय को ESI का कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट उनके बिहाफ पर पे कर देगी। अक्टूबर 2019 में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने एक और बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ा उन्होंने एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स पर। वो डिसीजन ये था कि 1 अक्टूबर 2019 से ESIC पोर्टल पर कोई भी नया एम्प्लॉय ऐड नहीं किया जा सकता जिसकी ज्वाइनिंग डेट 10 दिन से पुरानी है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म हो जाने के 42 दिन के अंदर अंदर चालान बन जाना चाहिए, चालान रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए, यानी सितंबर 2019 का चालान 12 नवंबर 2019 के बाद नहीं बनाया जा सकेगा, नहीं पे किया जा सकेगा। तो ये दोनों ही डिसीजन के कारण एम्प्लॉइज को, एम्प्लॉयर्स को बहुत बहुत तकलीफ हो रही है। ESI एक छोटा सा सॉल्यूशन लेके आया, उन्होंने कहा कि अगर आप पुरानी डेट से एम्प्लॉय को जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए फिजिकल फॉर्म फिल करना होगा, वो फॉर्म ESI ऑफिस में जमा कराना होगा और वहां पर ऑफिसर जो डीलिंग है वो ये डिसीजन ले पाएगा कि इस एम्प्लॉय को ओल्ड डेट से जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए। इसका क्या इंप्लीकेशन है वो आप ऑब्वियसली समझ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत परेशानी हो रही है सभी को इन डिसीजंस के कारण। लास्ट जो दो अपडेट है वो ओवरऑल पूरे साल होते रहे हैं और वो अपडेट उन लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं जो अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये पहला अपडेट शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत है। इस देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के बहुत सारे जो स्टेट एक्ट हैं उनमें परिवर्तन करते हुए कहा गया है कि जो अब उसका रिन्यूअल होगा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का, जो एनुअल या बाय एनुअल या 3 साल में एक बार रिन्यूअल कराना होता है, वो रिन्यूअल अब नहीं कराना होगा। और जो स्टेट्स ये ऑलरेडी लागू कर चुके हैं वो है मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, राजस्थान, केरला। इसके अलावा और भी ढेरों स्टेट्स में ऑलरेडी लागू कर दिया गया है और उम्मीद करते हैं आने वाले एक साल में लगभग पूरे इंडिया में लागू हो जाए कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो पहला एक्ट होता है जो किसी भी बिजनेस पर लागू होता है उसमें कोई भी रिन्यूअल कराने की जरूरत नहीं है। अगला जो अपडेट है वो भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का ही है। इसमें इस साल कर्नाटका और तमिलनाडु ने अपने स्टेट्स में शॉप्स को 24/7 ओपन करने की अनुमति दे दी है। इससे पहले ये डिसीजन महाराष्ट्र में लागू हुआ था, प्रैक्टिकली अभी तक नहीं हुआ है, वहां पर भी शॉप्स 24/7 ओपन नहीं हो रही है पुलिस की सख्ती के चलते, लेकिन अभी एक्ट में तो अमेंडमेंट कर दिया गया है कर्नाटक और तमिलनाडु में। इसके अलावा तेलंगाना में यह कहा गया है कि जो IT इंडस्ट्रीज है वो 24/7 ओपन रह सकती है बशर्ते कि वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन करें। तो दोस्तों ये ईयर न सिर्फ लेबर लॉस के लिए जबकि हमारे लिए भी बहुत एक्साइटिंग रहा, इस साल की शुरुआत की थी हमने कुछ 3-3.5 लाख मेंबर्स की एक फैमिली के साथ और अब ये फैमिली वेल अबव 8 लाख हो चुकी है जिसकी हमें बहुत 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 खुशी है। इन सभी परिवार को, आप सभी को लेबर लॉ टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, मनदीप की तरफ से आने वाले साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। ये आने वाला साल आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत शुभ रहे, ये हमारी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। इसी तरह लेबर लॉ एडवाइजर के साथ जुड़े रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि लेबर लॉ एडवाइजर चैनल का ये उद्देश्य है कि इस देश में एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर से जुड़ी हुई सारी खबरें, सारी अपडेट्स और उनके करियर ग्रोथ के टिप्स आप तक पहुंचाते रहें, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों इस साल के लिए आज्ञा दीजिए, अगले साल फिर मिलेंगे आपसे 2020 में इसी एनर्जी के साथ, इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।